हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल इडली बनाने जा रहा हूँ, जिसे हम कन्नड़ा में कोट्टे कड़वू बोलते हैं, और ये कर्नाटका के अलावा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों में भी बनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि हम इसे इडली प्लेट पर नहीं बल्कि कटहल के पत्तों में बनाएंगे। तो हम चार इक्वल साइज़ के पत्ते लेंगे और उन्हें पिन करके फोल्ड करके उन्हें एक बास्केट का शेप दे देंगे। तो हमने पहले चार पत्ते लिए हैं, इसे अच्छे से साफ कर लेंगे और इस तरह इसे पिन करके हमें इसे फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पिन करने के लिए कोकोनट लीफ का जो स्टेम होता है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर टूथपिक है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप पिन करते हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये कहीं फट ना जाए। और जब आप पत्ते सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चारों पत्ते इक्वल साइज के होने चाहिए। अगर पत्ते इक्वल साइज के नहीं हुए तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे बास्केट का शेप देने के लिए तो वो सही शेप में नहीं आएगा। तो जिस तरह मैं वीडियो में आप देख रहे हैं, आप उसी तरह धीरे धीरे ऐसा फोल्ड करके और इसे हमें पिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको कंप्लीट वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप भी अच्छी तरह सीख लें कि किस तरह हम पत्तों को फोल्ड करके इसे एक बास्केट का शेप देंगे। दोस्तों, ये स्पेशल इडली या कड़वू की रेसिपी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और आप जो वीडियो देख रहे हैं पत्ते फोल्ड करने के, वो मेरी मम्मी कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जब आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है आपका जो बास्केट का शेप अच्छे तरह ना बने, लेकिन जब इसे आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपका भी शेप परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमें चारों पत्तों को अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है और पिन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये कितनी अच्छी तरह एक बास्केट का शेप आ चुका है। इस रेसिपी का नाम कोट्टे कड़वू इसलिए है क्योंकि कोट्टे का मतलब है बास्केट और कड़वू का मतलब है इडली। क्योंकि ये जब बन के बास्केट के शेप में बन के तैयार हो जाता है, इसलिए इसे कोट्टे कड़वू बोला जाता है। एक मोल्ड रेडी हो गया, इसी तरह हम बाकी पत्तों से बाकी के मोल्ड भी हम रेडी कर लेंगे। अब हमें इसमें डालना होगा इडली का बैटर। तो आप जो नॉर्मल इडली बैटर जो आप मार्केट से मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में बना रहे हैं तो इसका रेशियो होगा 3 कप इडली राइस टू 1 कप उड़द दाल। तो जब इसे पीसेंगे तो इसे हल्का सा दरदरा रखिएगा, तो इडली बैटर से भी थोड़ा ज़्यादा दरदरा होना चाहिए ताकि ये सॉफ्ट बने। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कि कितनी थिक है और पोरिंग कंसिस्टेंसी है। तो ज़्यादा थिक भी मत बनाइएगा, ज़्यादा लूप भी मत कीजिएगा। इसे मैंने बनाया है यूजिंग विद अ वेट ग्राइंडर, नॉट इन ए मिक्सी। मैं आपको वेट ग्राइंडर क्या होता है दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और हमें उड़द दाल भी कम यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप मिक्सी ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 कप राइस के साथ 1.5 कप उड़द दाल यूज़ कीजिएगा। इस बैटर को हमें ओवरनाइट तक रखना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए। अब हम इसे धीरे धीरे जो हमने बास्केट बना के रेडी रखा है कटहल के पत्तों के साथ, उसमें हम इसे डालेंगे। हमें इसे पूरा फिल नहीं करना है, हम अराउंड 3/4 ही तक इसे फिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ एक बड़ा स्टीमर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम ज़्यादा बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक या दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपके पास अगर कुकर है तो आप कुकर में बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उसकी जो विसल है या सीटी है उसे आप ना डालें। आपको उसका स्टीम को खुला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये स्टीम में पकता है। अगर आप विसल डाल देंगे तो फिर ये पकेगा नहीं और ये लिक्विड ही रहेगा। आपके पास अगर दूसरा कोई स्टीमर है या मोमोस का आपके पास बर्तन है तो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन आपका मोल्ड थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो अगर आपको छोटा मोल्ड चाहिए
तो आप छोटे पत्तों का यूज कीजिएगा। हमने सारे मोल्ड को हमने स्टीमर पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और बैटर ऐड करेंगे। हमने इसे पूरा पहले फिल नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि जब हम इसे स्टीमर पर चढ़ाएंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाए, इसलिए हम उसे थोड़ा खाली छोड़ के अब हम इसे 90% तक हम इसे फिल करेंगे। तो 10% हम जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि जब ये स्टीम होकर अच्छी तरह पक जाएगा तो ये और फुल जाएगा। तो अगर हमने इसे अभी से ही 100% फुल कर लिया तो फुल के हो सकता कि वो मोल्ड बैटर पूरा बाहर आ जाए। अब हमें स्टीमर को अच्छी तरह ढक लेना है। अराउंड 45 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 30 मिनट तक इसे स्टीम करना काफ़ी है। ये देखिए हमारा स्पेशल इडली या कडुबू बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते किस तरह ये फुल के पूरा एरिया पूरा कवर कर चुका है। तो ये ऊपर जो क्रैक देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह ये कुक हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अगर सॉफ्ट नहीं होता तो क्रैक्स नहीं बनते। तो अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे कोकोनट चटनी और सांभर के साथ। लेकिन खाने के पहले आपको इन पत्तों को निकालना होगा। तो हम धीरे धीरे जो स्टिक्स हमने पिन किया था हम इसे पिन को निकालेंगे। आप चाहे तो ये स्टिक्स को अगली बार भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने ये कटहल के पत्तों में बनाया तो इसका जो अरोमा है और जो टेस्ट है वो भी स्पेशल होगा। ये नॉर्मल इडली जैसा टेस्ट नहीं करेगा। हम इसे अब पत्ते से निकाल के फिर हम हॉट हॉट सर्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसे एक नाइफ की मदद से इसे हम काट लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत गर्म है। मैं इसे 4 पीस में काट लूँगा क्योंकि मुझे लगी है बहुत भूख और मैं इसे तुरंत खाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम है। ये फूल जितना सॉफ्ट है और खाने में भी उतना ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।